जय हिंद स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल इट्स योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ पाइक पाइपर ऑफ हैमलिन। बच्चों, हैमलिन जर्मनी का एक छोटा सा शहर था। यहाँ काफ़ी सारे चूहे थे, वो घरों में, होटलों में, दुकानों में, स्कूलों में और यहाँ तक कि हर सड़क पर थे। उनसे सब बहुत परेशान थे और जल्द ही कोई हल निकालना चाहते थे। वहाँ की मेयर कई बार इसके बारे में लोगों से बातचीत भी कर चुके थे। शुरू में सबको लगा कि बिल्लियों के द्वारा चूहों को भगाया जा सकता है, लेकिन चूहों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से यह कोशिश भी नाकाम हो गई। एक दिन एक अनजान आदमी हैमलिन में आया। उसका नाम पाइड पाइपर था। उसका बहुत ही अजीब लुक था और वो सीधे मेयर के सामने पहुँच गया और उसने मेयर से कहा कि अगर आप मुझे 1,000 सोने के सिक्के देंगे तब मैं इन चूहों को हैमलिन से भगा दूंगा। मेयर इस बात के लिए राजी हो गया। तब पाइड पाइपर ने अपनी पाइप निकाली और उस पाइप से बहुत ही सुंदर आवाज़ निकाला। उस आवाज़ के पीछे सारे चूहे भागने लगे, मानो कि उसने कोई जादू कर दिया हो। वह पाइड पाइपर जहाँ जहाँ जाता वो चूहे उसके पीछे पीछे जाने लगते थे। इसी तरह पाइड पाइपर पूरे शहर से चूहों को अपने पीछे लाते हुए एक नदी में कूद गया और सारे चूहे भी उस नदी में कूद गए। पाइड पाइपर तो बाहर आ गया लेकिन सारे चूहे वहाँ मर गए। फिर वह अगले दिन मेयर के पास पहुँचा और उसने मेयर से कहा कि मैंने सारे चूहों को शहर से भगा दिया है, अब आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। तब मेयर ने कुछ देर सोचा और कहा कि ये मनी तो बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ तुम्हें 50 सोने के सिक्के ही दूंगा। तब पाइड पाइपर कहता है कि आपने 1,000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। इस बात पर मेयर हंसने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ 50 सोने के सिक्के ही तुम्हें दूंगा। पाइड पाइपर मेयर से एक भी सोने का सिक्का नहीं लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जाते जाते अपनी पाइप से एक सुंदर सी आवाज़ निकालता है और इस बार उसके पीछे आवाज़ के शहर के सारे बच्चे चलने लगते हैं, मानो कि उनके ऊपर भी कोई जादू हो गया हो। शहर के उस बच्चों के पेरेंट्स और मेयर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं रुकते हैं। और इसी तरह पाइड पाइपर अपना पाइप बजाते हुए एक गुफे के अंदर चला जाता है और सारे बच्चे भी उस गुफे के अंदर चले जाते हैं और पाइड पाइपर उसे एक बहुत ही बड़े पत्थर से ढक देता है। फिर वह कभी भी शहर में नहीं दिखता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट when we promise to anyone then we should keep up our promise, कि जब हम किसी से promise करते हैं तब हमें उसे निभाना भी चाहिए।